नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अश्वनी नवरात्र विधायक आशीष छाबड़ा भी यहाँ मौजूद रहे, साथ ही साथ गृह मंत्री यहाँ पहुंचे, प्रदेश के लोगों के लिए कामना की और साथ ही साथ भद्रकाली मंदिर पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की के लिए कामना की। देशवासियों को सुख और कल्याण की कामना की गई। बेमित्रा के भद्रकाली पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जिनके साथ विधायक आशीष छाबड़ा भी मौजूद रहे, मंदिर में दर्शन किया, पूजा अर्चना की, उसके साथ साथ प्रदेशवासियों को सुख और कल्याण की कामना की। रात्रि के पर्व में जगह जगह जहां भी देवियों का मंदिर है, शक्ति का, माताओं का, वहाँ पर दीप प्रज्वलित होता है, लोग दर्शन करने आते जाते हैं। तो मैं भी लगातार कोशिश करता हूँ माता भद्रकाली को प्रणाम करने के मुझे अवसर मिले। सबसे पहले नवरात्रि पर्व की पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। माता रानी को प्रणाम करते हुए सबके यशस्वी मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। उधर नवरात्रि पर्व के अवसर में नारायणपुर जिले में महज 65 किलोमीटर दूरी पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ ओरछा में पहली बार करवा महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन जयंबे मानस समिति ने किया। पहली बार आयोजित हुए इस करवा महोत्सव में स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। ओरछा में पहली बार गरबा महोत्सव का आयोजन किया, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितनी धूमधाम से महोत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर यहां शिरकत की। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है अबूझमाड़, जहां पर पहली बार बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और साथ ही साथ गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। ओरछा में पहली बार गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ। बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ ओरछा में पहली बार गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की और साथ ही साथ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों में काफी उत्साह कार्यक्रम के प्रति देखने को मिला, जहां पर लोगों ने बड़े ही धूमधाम से महोत्सव में डांस किया। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग जिले के कपसदा हत्याकांड मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की ओर से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग किए जाने पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। बता दें कि कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का ने कहा है कि लाशों पर राजनीति करना बंद करें। नेता प्रतिपक्ष साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। नेता प्रतिपक्ष लाशों पर राजनीति न करें, बहुत सारे विषय हैं राजनीति करने के लिए और जब घटना का पटाक्षेप हो गया उसके बाद में बयानबाजी उचित नहीं है। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उस घटना के कुछ और बिंदुओं पर जांच की जानी चाहिए तो पुलिस अधीक्षक को संबंधित पुलिस अधिकारियों के संबंध में वे जाके तथ्यों से अवगत कराएं, निश्चित तौर पर उसकी जांच कराई जाए।
आगे बढ़ते हैं, खबर कोरबा से है जहां पर 108 संजीवनी एक्सप्रेस की हालत बद से बदतर हो गई है। मरम्मत के अभाव में एम्बुलेंस को चालू करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। संजीवनी एक्सप्रेस के कर्मचारी अक्सर धक्का देकर वाहन को चालू करते हैं। आपात स्थिति में अगर ऐसी नौबत आ गई तो स्थिति कितनी गंभीर होगी इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सवाल यह है कि आपातकालीन मामलों में इस सेवा को लगाया गया है, गंभीर मामलों में अगर एम्बुलेंस खराब हो गई तो मरीज के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। 108 की बदहाली की दास्तां कई बार सामने आ चुकी है, बावजूद इसके एम्बुलेंस की बदहाली की तो दूर करने के दिशा में किसी तरह की कोशिश नहीं की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संजीवनी एक्सप्रेस की हालत खराब हुई है और ये तस्वीरें पहली आम बन चुकी हैं। यहां पर धक्का लगाकर चालू करनी पड़ती है 108 संजीवनी एक्सप्रेस। जरा सोचिए कि अगर आपात स्थिति के लिए जब 108 का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में गंभीर स्थिति जब आन पड़ी तो इस तरीके से चालू कर वहां पर ले जाया जाता है धक्का लगाकर। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सक्सेस डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन हार्ड वर्क बट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क and this is what I've learned from BKC. Changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा सीजीपीएटी में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं कोरबा के बुधवारी बस्ती में स्थित महात्मा गांधी की खंडित प्रतिमा
को ठीक करने का काम अब तक नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि गांधी जयंती पर बीजेपी नेताओं ने स्थानीय प्रशासन से महात्मा गांधी की प्रतिमा को जल्द से जल्द ठीक किए जाने की मांग की। हाँ, मांग की कि महात्मा गांधी की प्रतिमा को, खंडित प्रतिमा को सही करने की जल्द से जल्द कवायद शुरू की जाए और स्थानीय प्रशासन से ये मांग की गई है जहां पर खंडित महात्मा गांधी की प्रतिमा को सही किया जाए। कोरबा से खबर है जहां स्थानीय प्रशासन से मांग की गई है, बीजेपी नेताओं ने यह मांग की है कि खंडित महात्मा गांधी की मूर्ति को जल्द से जल्द ठीक किया जाए क्योंकि खंडित हुई हुई प्रतिमा है, जहां पर उसे सही करने की मांग स्थानीय प्रशासन से बीजेपी नेताओं की तरफ से की गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खंडित प्रतिमा को सही करने की यहां मांग की गई है, बीजेपी नेताओं द्वारा स्थानीय प्रशासन से यह मांग की गई है। खंडित प्रतिमा को सही करने की यहां पर मांग की गई है स्थानीय प्रशासन से बीजेपी नेताओं के द्वारा, खंडित महात्मा गांधी की प्रतिमा को सही करने की मांग की गई है, जल्द से जल्द खंडित महात्मा गांधी की प्रतिमा को सही किया जाए, बीजेपी नेताओं की तरफ से ये मांग स्थानीय प्रशासन से की गई है। खंडित पड़ी प्रतिमा को जल्द से जल्द सही किया जाए। तो स्थानीय प्रशासन से खंडित पड़ी महात्मा गांधी की प्रतिमा को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग बीजेपी नेताओं के द्वारा की गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रतिमा खंडित पड़ी हुई है और जिसको लेकर बीजेपी नेताओं के द्वारा स्थानीय प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द से जल्द खंडित पड़ी प्रतिमा को सही की जाए। उधर कोरबा के दीपका में SECL के खिलाफ भू विस्थापियों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ऊर्जाधानी भू विस्थापित कल्याण समिति ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है, साथ ही उन्होंने कोल परिवहन के काम में लगे भू विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता देने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन भू विस्थापियों के पास कम से कम दो ट्रक हैं उनको टोकन और खदान में एंट्री की प्राथमिकता दी जाए, वहीं कोयला लोडिंग के काम में भी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। उधर वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हर साल की तरह मनाए जाने वाले वन्य जीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत हो गई है। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच चलने वाले इस सप्ताह के दौरान सभी जीवों के संरक्षण से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां पहले दिन वनकर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली और पूरे शहर का भ्रमण किया। तो वन्य जीव सप्ताह पर जागरूकता रैली का आयोजन हुआ, पूरे शहर का भ्रमण किया गया। बता दें कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। वन्य जीवन सप्ताह पर जागरूकता रैली का आयोजन हुआ पूरे शहर का, जिसमें भ्रमण किया गया। वन्य जीव सप्ताह वर्ष का आगाज हुआ है जिसमें कि पूरे शहर भर का भ्रमण किया गया रैली के माध्यम से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वन्य जीव सप्ताह वर्ष का आगाज किया गया, हरी झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया गया, पूरे शहर भर में भ्रमण कर वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा कोरबा वन मंडल की तरफ से वन्य जीव संरक्षण सप्ताह।
जिसमें कि वन्य जीव सप्ताह पर जागरूकता रैली निकाली गई। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 2 अक्टूबर से आज अक्टूबर के बीच मनाया जाता है और यह वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह इस वर्ष जो है हम लोग एक रैली के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। रैली के माध्यम से हम नागरिकों में संदेश देना चाहते हैं कि संरक्षण में हमारा सहयोग करें। उधर जांजगीर चांपा जिले के शासकीय मिडिल स्कूल मुड़पार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्याह्न भोजन को लेकर स्कूल में शुरू हुआ विवाद पुलिस थाने के बाद अब कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गया है। स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मुड़पार में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के बच्चों ने शिक्षकों की कमी को लेकर चक्काजाम किया था और मध्याह्न भोजन में भी सही ढंग से नहीं मिलने की शिकायत की थी। मध्याह्न भोजन की शिकायत से नाराज स्व सहायता समूह से जुड़े एक व्यक्ति ने एक छात्रा को मारने के लिए हाथ उठा दिया था। इसके बाद स्कूल में माहौल गर्मा गया। स्कूल के बच्चे आक्रोशित होकर पामगढ़ थाना पहुंच गए और लिखित आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंच गए और कार्रवाई की मांग की। हम यहाँ पर कलेक्टर के पास इसलिए आए थे क्योंकि मैं नेहरू जाहिर के ऊपर में केस की थी तो थाना गई थी। थाने में मुझे एक पर्ची देना चाहिए था जो कि वो लोग मुझे पर्ची भी नहीं दिए थे, उल्टा उसके ऊपर में और नेहरू जाहिर मेरे पास आके बोल रहे थे कि बेटा तुम केस को वापस ले लो, मेरे पास जाके जाना मेरे संग में, उसके बाद बीओ सर को बोलना, उसके बाद केस को वापस लेना बोल के मुझे बोल रहे थे तो नेहरू जाहिर की साइड। तो फिर हम लोग बोले अब कोई हमारा साथ नहीं देंगे तो हम डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों के पास हमारे यहाँ चाचा ये हमें कलेक्टर ऑफिस हमारी मर्जी से लेके आए, अपनी मर्जी से लेके आए हैं। मिडिल स्कूल के कुछ बच्चे हैं गांव वाले, आई थिंक से वो स्व सहायता समूह को कुछ विवाद होगा, आई थिंक से जो है जो स्व सहायता समूह मध्याह्न भोजन बना रही है वो ठीक से मध्याह्न भोजन नहीं बना रही है, खाना ठीक से नहीं दे रही है, डेली आलू की सब्जी दे रही करके इस प्रकार कुछ विषय वस्तु को लेकर के छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, है ना। उनको बीओ को हमने भेजा है कि प्रिंसिपल को जो भी वहां का हेडमास्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, बच्चे यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, है ना। लेकिन वो ट्रैक्टर में कोई आदमी उन लोग भर करके लेके आए, उनके खिलाफ भी जो लेके आया है उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। बक्सोड़े से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। Depends upon hard work, but consistent hard work, and this is what I've learned from being here. Biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants,
BJCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BJCI is not an institution, it's family. And I'm very proud to be part of BJCI. Thank you. सफलता की राह में BJCI के साथ मैं लक्ष्मण साहू माई PhD रैंकी 22। माई नेम इज अनिल साहू स्टूडेंट ऑफ BJCI माई ओवरऑल रैंक 30। माई सेल्फ आकिब खान स्टूडेंट ऑफ BJCI माई ओवरऑल रैंक इज 51। मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। शारदीय नवरात्र के दौरान पूरा देश मां आदिशक्ति की आराधना में डूबा हुआ है। चारों तरफ माता के जय जयकारे लगाए जा रहे हैं। इस दौरान गरबा रास का भी आयोजन हो रहा है, जहां सक्ती जिले में मित्र क्लब और मारवाड़ी महिला जागृति समिति के तत्वावधान में गरबा डांडिया का आयोजन किया गया। बता दें कि बीती रात विधानसभा अध्यक्ष और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत इस आयोजन में शामिल हुए और मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा पाठ कर गरबा की शुरुआत की। ईश्वर से कामना करते हैं कि जितने भी यहाँ प्रतिभागी आएंगे उन्हें माता रानी आशीर्वाद दे। इनका क्लब, महिला जागृति क्लब और मित्र मंडली मिलकर के आने वाले वर्षों में और भव्य आयोजन करते रहे और हम लोग निश्चित रूप से अगले वर्ष यहाँ पूरी तरीके से भागीदारी निभाएंगे। मैं सब परिवार आया हूँ और सब परिवार भी रायपुर जाना पड़ रहा है, उसके लिए अच्छा होता है। उधर सक्ती जिले के ग्राम पंचायत पोरथा में जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री साहू, पुलिस अधीक्षक MR आहिरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक अंकिता गुप्ता ने वृद्धजनों को बैच लगाकर सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने वृद्धजनों को संबोधन करते हुए कहा कि विश्व में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाए जाए। हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संसार के वृद्धों एवं प्रौढ़ों को सम्मान देने के अलावा उनकी वर्तमान समस्याओं के बारे में जनमानस में जागरूकता बढ़ाना है। आज विश्व वृद्धजन दिवस मनाया गया है और ये ग्राम पोरथा में है और कई वृद्धजन हमारे साथ सम्मिलित हुए प्रोग्राम में। इसमें हमने बेसिकली सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में बताया है और हमारे ADG सर ने भी बताया है, SV सर ने भी बताया है कौन से हेल्पलाइंस में हम लोग कॉल कर सकते हैं किसी भी परेशानी के लिए और किस प्रकार से प्रशासन हर लेवल पर उनकी मदद के लिए अग्रसर है। किसी प्रकार की समस्या होने से हम लोग तत्पर उस पर एक्ट करेंगे। उधर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, समाज कल्याण मंत्री अनिला भोंडिया, छत्तीसगढ़ योग आयोग की अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा सहित कई जिलों से आए लगभग 3,000 लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ एक दूसरे को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।